नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे बीएलई लाइव सपोर्ट चैनल पर। दोस्तों आज फिर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे भाइयों ने अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था और किसी कारणवश यदि उनका जो पैन कार्ड नहीं आया है तो उसे दोबारा हम कैसे बाय पोस्ट मंगवाएंगे। यदि दोस्तों अगर आपका जो पैन कार्ड है वो किसी कारणवश टूट गया है या कहीं खो गया है या गुम हो गया है तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस से बताने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपने इससे पहले पैन कार्ड के लिए मैंने रीप्रिंट कार्ड अगर आपने अप्लाई किया या किसी कारणवश आपका जो पैन कार्ड है पेंडिंग में चला गया यानी जो हमारा पेमेंट है वो पेमेंट पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है और जैसे ही हम उसे दोबारा पे करते हैं पेमेंट को तो उस पे लिख के आ जाता है कि आपका जो पैन कार्ड का जो पेमेंट है वो भी पेंडिंग में है। तो दोस्तों इसका भी प्रोसेस हम इसमें बताएँगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि हमें जो पैन कार्ड है वो रिप्रिंट कैसे करना है। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें और छोटे से बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि दोस्तों और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि पैन कार्ड को रिप्रिंट कैसे करना है, बाय पोस्ट द्वारा कैसे मंगवाना है। दोस्तों सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है UTI पोर्टल। UTI पोर्टल डालने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपके लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर लिखा है UTI TSL पैन ऑनलाइन सर्विस पोर्टल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पर क्रॉस बटन दिया हुआ है इसे हटा देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पैन कार्ड है, यहाँ पर जो हम अपने जैसे कि इंडिया में अगर पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आके अपना पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों अगर आप विदेश में हैं कहीं विदेश के लिए पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। अगर दोस्तों आपके पैन कार्ड में कोई करेक्शन करना है तो आपको यहां पर आना होगा। उसका दोस्तों अगर आपका जो पैन कार्ड खो चुका है तो आपको यदि ई पैन चाहिए तो आपको यहां पर आके डाउनलोड कर लेना है। उसका दोस्तों आप आ जाते हैं यहाँ पर पाँचवें कॉलम पर लिखा है रीप्रिंट पैन कार्ड। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा रीप्रिंट पैन कार्ड है। चलिए इसके बाद मैं थोड़े से रुक के बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है फैसिलिटी फॉर एड्रेस अपडेट इन पैन डाटा बेस थर्ड EKYC। अगर आप अपना जो पैन कार्ड है EKYC से करवाना चाहते हैं तो आप यहां से EKYC पैन कार्ड बनवा सकते हैं। उसका देखो दोस्तों यहां पर लिखा है ट्रैक पैन कार्ड, आपको यहां पर अपना जो पैन कार्ड है इसकी स्टेटस चेक करना है तो यहां पर आके स्टेटस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों है पैन वर्क वेरीफिकेशन, आप यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड बना हुआ है तो उसका जो वेरीफिकेशन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है रीप्रिंट के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों आ जाते हैं रीप्रिंट पैन कार्ड पर, आपको यहाँ पर आना है, लिखा है क्लिक टू रीप्रिंट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड होगा। दोस्तों आपके आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है रीप्रिंट पैन कार्ड और यहाँ पर लिखा है जनरेटेड पैन कार्ड प्रिंट रिक्वेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि रीप्रिंट कार्ड आपको कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर देते हैं और पहुँच जाते हैं हम एक नए पोर्टल पर, नए टैब पर पहुँच जाते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको जो पैन नंबर है इंटर करना है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आपको यहां पर इंटर कर देना है, अन्यथा इसे छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी कस्टमर की जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहां पर इंटर कर लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा है GSTN नंबर, आपको यहां पर कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो कैप्चा है आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस कैप्चा को इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पर पैन कार्ड इंटर करना होगा, तो चलिए यहाँ पर पैन कार्ड इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो पैन कार्ड नंबर है उसे एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपने इससे पहले अपना जो पैन कार्ड है अप्लाई किया था और आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में जा चुका है। तो दोस्तों मैं अभी बता दूं कि इससे पहले मैंने जो पैन कार्ड अप्लाई किया है वो मेरा पेंडिंग में जा चुका है और यहाँ पर जो पेंडिंग का जो हमारा जनरेटेड जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है। आपको क्या करना है इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है।
तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, और दोस्तों बता दूँ अगर आप नए सिरे से ऑनलाइन करेंगे यानी फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो आपको सामने डायरेक्ट पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगर आपका जो पेमेंट है तो अगर पेंडिंग हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो अपना पेमेंट है सक्सेसफुल कैसे करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर जाना है बैक, यहाँ पर लिखा है जनरेटेड पैन कार्ड प्रिंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा डैक्स बोर्ड होगा। आपको यहाँ पर जो नंबर मिला था अभी आपको मैंने बताया था, जो पैन कार्ड मैंने अप्लाई किया और पेंडिंग में पहुँच गया तो उसका एक नंबर होता है, आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर डाल देना है और जो पैन कार्ड नंबर है आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा है दोस्तों यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने फिर से पैन नंबर और जो रिसिप्ट नंबर है उसे भी मैंने यहाँ पर एंटर किया। उसके बाद दोस्तों जो कैप्चा है यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको क्या करना है ओके बटन पर क्लिक कर देना है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पैन कार्ड है, हमारा जो पेमेंट है वो पेंडिंग में था तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है रिसिप्ट नंबर सारा यहाँ पर शो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है लिखा है मैक पेमेंट, आपको मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेमेंट का जो नया टैब है वो ओपन हो जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं फिर से आपको कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके सामने रेडायरेक्ट होकर सीधे आपका जो पेमेंट ऑप्शन है इस प्रकार से आ जाएगा, अगर आपका जो पेमेंट फंसा नहीं है तो आएगा। अगर दोस्तों आपका फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पर रेडायरेक्ट होकर अपना जो पेमेंट पोर्टल है सीधे यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए हम यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों हमने जो अपना मोबाइल नंबर है यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है पे, पे आपको किससे करना है, चलिए यहाँ पर हमने क्लिक किया। उसके बाद लिखा है कन्फर्म पेमेंट, आपको कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हम किससे पेमेंट करना चाहते हैं उससे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों हम अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा जो नेट इसका जो पेमेंट है करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो भी दोस्तों आपकी बैंक हो, जैसे हैं मान लीजिए आपकी जो बैंक है वो ICICI है तो आपको ICICI पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरी जो है वो स्टेट बैंक है, हमें स्टेट बैंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रोसीड, आपको जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हम जो स्टेट बैंक का जो पेमेंट ऑप्शन है इस यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अपना जो ID है पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है और पेमेंट जो है वो कर देते हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर अपनी ID और पासवर्ड डालकर पेमेंट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने जो अपना पेमेंट है वो यहाँ पर डाल दिया है, यानी जो अपना ID और पासवर्ड डालकर यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और नीचे लिखा है कन्फर्म, हमको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक डैशबोर्ड ओपन होगा, फिर से आपको कन्फर्म कर देना है। तो चलिए यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं और यहाँ पर लिखा है एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपका जो मोबाइल नंबर अपनी नेट बैंकिंग में लगा है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है, उस OTP को। चलो फटाफट यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा OTP है उसे हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, उसका दोस्तों आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर कन्फर्म करेंगे तो थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर होगा। उसका दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पेमेंट है वो 50 रुपये का पेमेंट होगा, आपके वॉलेट से 50 रुपये काट लिए जाएंगे और आपका जो पेमेंट जो पैन कार्ड है आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर योर पैन कार्ड रिसीव पेमेंट इज सक्सेसफुली फॉर पैन कार्ड रीप्रिंट एप्लीकेशन, और इसे आपको जो है कॉपी करके रख लेना है और इसे यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है डाउनलोड रिसीप्ट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो रसीद है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही आपका जो पैन कार्ड है आपको रीप्रिंट कराना होगा यदि आपका पैन कार्ड खो चुका है। तो दोस्तों हमारा वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।